write down maximum minimum. मैक्सिमम मिनिमम ही ये सोचो. सबसे पहले लिखो आप, बड़ा बड़ा लिखो हेलीकॉप्टर. राइट डाउन हेलीकॉप्टर बच्चो, हेलीकॉप्टर. और हेलीकॉप्टर के साथ लिखो एग्जाम्पल 41 एंड अनसोल्ड 27. अनसोल्ड 27 एग्जाम्पल 41 हेलीकॉप्टर के साथ लिखो बच्चो. एग्जाम्पल 41 हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 27 ये सेम है बच्चों, दोनों में सेम मेथड, दोनों क्वेश्चन हेलीकॉप्टर वाले हैं. ओके पढ़ लो एग्जाम्पल 41 पढ़ लो एक बार, बुक खोलो, बुक खोलो बच्चों. एग्जाम्पल 41 और एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी देखो आप, दोनों क्वेश्चन हेलीकॉप्टर वाले हैं बच्चों. मैं क्या बोल रहा हूँ ओके बच्चों, एग्जाम्पल 41 और क्वेश्चन नंबर 27 बार बार बोल रहा हूँ, दोनों हेलीकॉप्टर वाले हैं. ये सोचो, देखो आप इधर ध्यान से क्या कहानी क्या है बच्चों. इधर देखो आप, एक हेलीकॉप्टर है बच्चों 27 में, बस हेलीकॉप्टर बढ़ नहीं है ओके, बाकी कहानी सब सेम है. एक हेलीकॉप्टर है वो यहां से आ रहा है बच्चों, और इस कर्व के लोग आ रहे हैं हेलीकॉप्टर y इज इक्वल टू एक्स कर प्लस 7. इस कर्व के लोग हेलीकॉप्टर आ रहे हैं 27 में भी. आप बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा मैं कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, ठीक है, नहीं लिखा हुआ हेलीकॉप्टर पर मैं तुम्हें ऐसे ही समझाऊंगा. अब बच्चों सबकी नजर बोर्ड पर, अब यहां पर देखो आप बच्चों कि हर्ष यहां पर खड़ा हुआ है ओके. हर्ष यहाँ पर खड़ा हुआ है बच्चों, इसके हाथ में गन है बच्चों, गन ओके, ये गन है बच्चों इसके हाथ में. और यहाँ पर इसकी फियांसी बैठी हुई हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर में फियांसी है बच्चों, और ये गन लेके बैठा हुआ है. एक्चुअली उसको छोड़ के जा रही है. अब इसमें इतना गुस्सा आ गया बच्चों कि इसने इसको उड़ाना है बच्चों. राइट, इधर देख भाई, इधर देख, ये इसको उड़ा देगा, उड़ाना चाहता है गुस्से में ही. अब जैसे ही बच्चों ये पास आएगा हेलीकॉप्टर, ये फायर करता है बच्चों, ये फायर करते हैं ओके. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है बच्चों कि व्हाट शुड बी द नियरेस्ट डिस्टेंस, ये इसको फायर करते हैं और बुलेट इसको हिट करेगी हेलीकॉप्टर को. हद हो गया मैं. अब बच्चों देखो, अब इधर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, इस कर्व के अलोंग, राइट, इस कर्व के अलोंग बच्चों हेलीकॉप्टर जा रहे हैं और यहां पर खड़े गन लेकर यहां से हिट करता है बच्चों और इसको गोली लग जाती है हेलीकॉप्टर. एनसीओ क्या होगा अभी डोंट नो, इसको गोली लग जाती है हेलीकॉप्टर. अच्छा बच्चों, अब व्हाट शुड बी द नियरेस्ट डिस्टेंस, ये जो पीएम डिस्टेंस है ना मुझे इसको मिनिमम करना है. पीएम डिस्टेंस को क्या करना है मुझे, अब समझ आया. तो टारगेट क्या है बच्चों, टारगेट है बच्चों हमारा कि पीएम डिस्टेंस को तुमने मिनिमम करना है. ये टारगेट है तुम्हारा कि पीएम डिस्टेंस को तुमने मिनिमम करना है. क्वेश्चन समझ आया. अब ये सोल्जर कहां पर खड़ा है बच्चों, 3.7 पर. कहां पर खड़ा है, 3.7 पर. और इस हेलीकॉप्टर की पोजीशन मैं ले लेता हूं x, y. अरे बात बताओ y की वैल्यू क्या है बच्चों, y की वैल्यू x2 + 7. आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो. अब याद करो ये डिस्टेंस मिनिमम करने दो कोऑर्डिनेट्स हैं. तो डिस्टेंस फॉर्मूला तुमने 10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था. कौन स्मार्ट बच्चा तुम्हारे में से, यस बोलो बेटे, यस अंडर रूट x1 - x2 होल स्क्वायर + y1 - y2 होल स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला 10th 11th क्लास पढ़ चुकी हो, कई बार पढ़ चुकी हो, राइट. अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चों मैं इसको, इस पर पीएम इज इक्वल टू अंडर रूट x - 3 होल स्क्वायर + x2 + 7 - 7 होल स्क्वायर. तो पीएम डिस्टेंस को आप जेड बोल दो, नहीं अभी मत बोलो, पीएम स्क्वेयरिंग कर दो बच्चों, पीएम स्क्वायर
तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एक्स 4 आ जाएगा। अब आप इसको z बोल दो तो z इज इक्वल टू आ गया मेरे पास x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स 4, ये z आ। इसको मुझे मिनिमम करना है। आज जिसको मिनिमम या मैक्सिमम करना हो ज्यादा उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए। अब बताओ इसमें एक वेरिएबल है या नहीं, पहले एक वेरिएबल है एक्स ही तो है। अब मेरे स्टेप्स क्या होंगे, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, जीरो से इक्वेट करूंगा मैं, राइट, डिफरेंशिएट करूंगा, जीरो से इक्वेट करूंगा, एक्स की वैल्यू आएगी, सेकंड डेरिवेटिव करूंगा, सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए भाई, पॉजिटिव, मिनिमम करना है तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। और जो एक्स की वैल्यू आएगी मैं कहां पर पुट करूंगा, इसमें इसमें या इसमें, इसमें नहीं, x की वैल्यू आ गई, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, मिनिमम कर दिया। अब तुम्हें पूछा गया फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, तो कहां पर, इन तीनों में से कहां पर, तीनों में से कहां पर, पीएम में करेंगे ना, ये डिस्टेंस है ना बच्चों, ये डिस्टेंस थोड़ी है स्क्वेयरिंग करने में, ये डिस्टेंस थोड़ी है, डिस्टेंस तो ये है अंडर रूट वाला। बच्चे बहुत गलती करते हैं, बच्चे यहां पर कर देते हैं, करना यहां पर है। ओके, बात समझ आ गई तुम्हें। अब बच्चों देखो, आप पहला स्टेप डी जन बाई डी एक्स, क्या डेरिवेटिव हुआ, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 4x³। अब बच्चों यहाँ पर 4x³ आ गया, प्लस का 2x आ गया, माइनस का 6 आ गया, 2 कॉमन ले लो तो ज्यादा अच्छा है। तो अंदर क्या आ जाएगा, 2x³ प्लस एक्स माइनस 3। क्यूबिक है बच्चों, फैक्टर्स कौन बनाएगा, कौन सा मेथड है इसके फैक्टर्स बनाने का, कर चुके हो, पढ़ चुके हो, यस गुड। अच्छे बच्चों पर आंसर होते हैं, नलायक बच्चे मुंह बंद करके बैठ रहते हैं। बच्चों क्यूबिक इक्वेशन है, फैक्टर्स बनाने का क्या तरीका होता है, लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, एक्स की वैल्यू कोई भी पुट करो, 1 1 1, पहले 0 पुट कर ले, 0 प्लस 0 माइनस 3 0 नहीं हो रहा, अब 1 पुट करो, 1 2 1 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0, इट मींस 1 पर 0 आ रहा है। अगर 1 पर 0 आ रहे हैं तो x माइनस उसका क्या हो गया, फैक्टर। अब आप क्या करोगे, रफ वर्क है ये, रफ वर्क है, आप क्या करो x माइनस 1 से लॉन्ग डिवीजन करो और जल्दी से मुझे क्वोशेंट बता दो, 2x³ प्लस x माइनस 3। तो पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2x² से, तो 2x³ माइनस 2x² माइनस प्लस ये कैंसिल, फिर 2x² प्लस x माइनस 3। अब मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यार 2x² आ जाएगा, माइनस कहाँ से 3x² हो जाएगा, ये x है, हाँ बच्चों माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 3 और प्लस 3। तो बच्चों इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो फैक्टर आ रहा है x माइनस 1 और दूसरा आ रहा है बच्चों 2x² प्लस 2x प्लस 3, क्लियर। ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, इसके फिर दो फैक्टर्स बनेंगे, इसके फिर दो फैक्टर्स बनेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, राइट। तुम नहीं बना पाओगे, बता दे खुशाली क्यों नहीं बना पाओगे, इसके फैक्टर्स तुम बच्चे नहीं बना पाओगे, कोई एक बच्चा बता दे क्यों नहीं बना पाओगे, यस दिमाग चाहिए। देखो दिवांशी ने क्या बोला है, भाई ये डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आएगा, रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, आप डी निकालो, डी क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो बच्चों बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है, 2 2 स्क्वायर 4 4 इंटू 2 इंटू 3। तो बताओ नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, तो इसके रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। इसका जब मैं इसको फॉर मैक्सिमा मिनिमा जब मैं इसको जीरो से इक्वेट करूंगा तो एक्स की वैल्यू खाली 1 ही तो आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, भाई यहां से मैं निकाल ही नहीं सकता, बात समझ आई। ये सारी बात तुम्हें लिखनी है कि फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल बिकॉज डी नेगेटिव, बिकॉज डी नेगेटिव, ये तुम लिखोगे इस बात को अभी लिखोगे, ओके राइट। अब इसका मुझे क्या करना होगा, सेकेंड डेरिवेटिव, पहले इतना काम नोट कर लो, समझ लो, अब सेकेंड डेरिवेटिव बाद में करेंगे, वो सारी बातें लिखो जो जो मैं बोल रहा हूँ, ओके बच्चों। अब आप देखो बच्चों कहाँ पहुंच गए, लेफ्ट वाला मैं रफ कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट वाला मैं रफ कर रहा हूँ, ओके डायग्राम भी हटा रहा हूँ मैं, ओके
ये सोचो, देखो आप सेकेंड डेरिवेटिव डी टू जेड बाई डी एक्स टू सेकेंड डेरिवेटिव, इसका आप सेकेंड डेरिवेटिव करो, टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दो, पुट x वैल्यू टू 1, तो बताओ सेकंड डेरिवेटिव में जब x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव। तो आप लिखोगे देयरफॉर डिस्टेंस इज मिनिमम, डिस्टेंस इज मिनिमम बच्चों, डिस्टेंस इज मिनिमम ओके। अब मिनिमम डिस्टेंस भी निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, पी एम, ये वाला फॉर्मूला, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। यहां पर इसमें बच्चों आप x की वैल्यू याद रखना, अंडर रूट वाले याद रखना एक बार, इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर और x स्क्वायर है ना, तो 1 की पावर 4 ओके। कितना हो गया बच्चों ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, रूट 5 आपका आंसर आ गया, ये आपका मिनिमम डिस्टेंस आ गया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, रूट 5 इज द मिनिमम डिस्टेंस ठीक है। तो देखो आप ये आपका आंसर आ चुके हैं, रूट 5 इज द मिनिमम डिस्टेंस, कोई डाउट है तो बताओ। अब आप क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो, अब देखो सेम है या नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 27 हेलीकॉप्टर वाले देता हूँ। हाँ आल्सो पहले के बच्चों आप ये हेलीकॉप्टर था याद है, यहाँ पी पॉइंट था, इससे कोऑर्डिनेट्स आए थे, ये वाला हेलीकॉप्टर की पोजीशन निकालो, 27 में क्या लिखा हुआ है पता है, ये पॉइंट निकालो, 27 क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, क्लियर, हेलीकॉप्टर की पोजीशन। तो एग्जाम में आपके ये भी आ सकता है फाइंड द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर, तो x की वैल्यू 1 पुट करना है बच्चों यहाँ पर 1.8, तो हेलीकॉप्टर की पोजीशन क्या है बच्चों 1.8, 27 क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, 27 क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, आप समझ आए क्वेश्चन पढ़ के देखे ये क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों देखो आप इधर एग्जाम्पल 50 बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों ये, ओपन बॉक्स बच्चों याद है मैंने एक दिन पेपर की कटिंग करके ओपन बॉक्स बनाया था राइट, तो ओपन बॉक्स है बच्चों इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर्स। याद करो मैंने एक बार इस पेपर के पीसेस किए थे अलग अलग, याद करो अब पेपर के ना हर एक कॉर्नर से ना इक्वल स्क्वायर कट कर दो, हर एक कॉर्नर से इक्वल स्क्वायर कट कर दो और ईच कॉर्नर ऑफ ए 3 मीटर, ये बच्चों एन 3 मीटर बाय 8 मीटर रेक्टेंगुलर शेप, ये 8 ले लो और ये 3 ले लो ओके, एंड फोल्डिंग ऑफ द साइड्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बच्चों मैक्सिमम करना है, ये क्वेश्चन बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है आपको राइट। दोबारा इसको बनाकर दिखाऊं या समझ आ गया, याद करो मैंने पेपर के चारों कॉर्नर से हमने स्क्वायर पीसेस कट किए थे राइट, उसके टुकड़े शायद मैंने आरती को दिए थे, अच्छा ठीक है याद आ रहे हैं, और फिर मैं इसको फोल्ड किया था, याद करो ऐसे यहाँ से इसको फोल्ड किया था, यहाँ से ऐसे फोल्ड किया था, यहाँ से ऐसे फोल्ड किया, यहाँ से ऐसे किया, तो ऊपर ओपन बॉक्स बन गया था, क्वेश्चन नंबर 18 स्क्वायर पीस वाला। अच्छा बच्चे ये बताओ अगर ये x सेंटीमीटर का मैं पीस कट कर लूँ, स्क्वायर पीस है तो बता सकते हो मुझे अंदर ये लेंथ कितनी बचेगी, 8 माइनस 2, ये लेंथ बचेगी 8 माइनस 2 और ये ब्रेथ कितनी बचेगी 8 माइनस 2 और ये हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ये जो हाइट है ना बच्चों हाइट डेप्थ ये x आएगी बच्चों, डेप्थ कितनी आएगी x। अब बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और 8 माइनस 2x 3 माइनस 2x और इंटू एक्स। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, सारा सिंगल वेरिएबल में आ गया, मुश्किल नहीं है, तुमने बड़े मुश्किल क्वेश्चन किए हैं लास्ट में, आज तो भी आसान आसान कर लोगे। अब बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो तुम्हारे सामने है, अब ये 3 फंक्शन है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट टू, इससे मैं बचना चाहता हूँ तो क्या करूँ, 3 से बचना चाहता हूँ, तीनों ब्रैकेट नहीं सॉल्व करता, एक करता हूँ मैं, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 माइनस 2x और इंटू 3x माइनस 2x2 करना बच्चों इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
dv by dx first as it is. बेटे कल का पढ़ा रहे ऐसे आसान नहीं है. First as it is. Derivative of second बताना 3x का derivative 3 minus 4x plus 3x minus 2x square as it is. और इसका derivative क्या होगा? Minus 2. Clear? अब बताओ इसमें से common कुछ आ रहा है? कुछ भी आ रहा है. और कुछ भी कॉमन नहीं. फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉमन कुछ भी नहीं आ रहे. ये तो उससे सोल्व करना करना बच्चों मल्टीप्लाई 8 थ्री 24 माइनस 32 कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इससे मल्टीप्लाई करिए इससे मल्टीप्लाई करिए नहीं है नहीं है बच्चे रिव्यू. अच्छा बच्चों मल्टीप्लाई करो 8 थ्री 24 8 फोर 32 32 और 6 कितना हो गया बच्चों 38x 38x माइनस 2x और माइनस 4x प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 4x स्क्वायर. अब बच्चों 24 8x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना हो गया 12x स्क्वायर और माइनस 38 और माइनस 6 माइनस का 44 और प्लस का 24 राइट. अब आप इसमें से कुछ कॉमन लेना बच्चों तो dv by dx उस कॉमन क्या है 12 तो कॉमन आएगा 4 कॉमन आएगा 4 कॉमन आएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 6 इसके फैक्टर्स बनाना बच्चों बन गए. है ना तो बच्चों इसके फैक्टर सुनाओ बच्चों 3 1 1 6 3 2 6 2 3 बन गए. लो बच्चों इसके फैक्टर्स बन गए 3x माइनस 2 और x माइनस 3. ये मेरे चोर मेथड है बच्चों मैंने फैक्टर्स बना दिए इसके ये वाला मेथड 3x माइनस 2 और x माइनस 3 तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर ओके राइट विदाउट इस स्टेप से हमने आगे तुम्हें सभी को राइट. अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर बनाना 9 और 2 लेकर आपका ये आंसर आएगा. फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 बाई 3 x इज इक्वल टू 3. बताओ इन दोनों में से एक वैल्यू रिजेक्ट हो रही है क्यों होगी? अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 3 माइनस 6 नेगेटिव हो जाएगा. इसका मतलब है x की वैल्यू 3 गलत है राइट. तो ये रिजेक्ट होगी ये सिलेक्ट होगी. अब बच्चों सेकंड डेरिवेटिव d2v by dx2 बताओ सेकंड डेरिवेटिव मुझे किसका करना चाहिए जल्दी बताओ. इतने सारे स्टेप्स है 1 2 3 लास्ट वाला इसका करो ना इसका करो इसका नहीं इसका राइट. यहाँ प्रोडक्ट पे लगाना पड़ जाएगा. अच्छा बच्चों 4 बार है 3x का डेरिवेटिव कौन बताएगा 6x माइनस 11. अब आप इसमें x की वैल्यू 2 बाई 3 पुट करो बताओ नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है. x की वैल्यू 2 बाई 3 पुट करो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है. नेगेटिव आ रहा है श्योर 2 3 4 नेगेटिव. सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम. वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम राइट व्हेन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर टू बी कट ऑफ. उन्होंने आपसे क्या पूछा देखो उन्होंने आपसे क्या पूछा है फाइंड द वॉल्यूम. फाइंड द वॉल्यूम बोला बच्चों. अच्छा बच्चों फाइंड द वॉल्यूम का मतलब कौन बताएगा मुझे? वॉल्यूम निकालना है बच्चों तो बताओ मैं कहां पर पुट करूं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. यस अब देखो बहुत सारी इक्वेशन है इसको पुट कर दो या इसको पुट कर दो जाते हो इसमें. चलो बच्चों इसको पुट कर देते हैं 8 माइनस वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बच्चों 8 माइनस 2 इंटू 2 बाई 3 8 माइनस एक्स इक्वल 2 बाई 3 यहां पर पुट कर दो और यहां भी पुट कर दो 3 माइनस 2 इंटू 2 4 बाई 3 और इंटू में 2 बाई 3 एक्स की वैल्यू ये 2 बाई 3 आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर सोल्व करना बच्चों 2 टू 4 बाई 3 3 8 24
24 माइनस 4 कितना हो गया 20 बाई 3 और यहाँ से 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 बाई 3 इंटू 2 बाई 3 तो कितना हो गया ये 200 बाई 27 मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब क्या लिखा हुआ देखना सेंटीमीटर या मीटर मीटर क्यूब मीटर तो 200 बाई 27 मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया इट्स ओके स्टेप्स क्लियर अब बच्चों आगे चलते हैं 51 एग्जाम्पल 51 करेंगे जल्दी से नोट कर लो आप इसको फास्ट यस बच्चों एग्जाम्पल 51 में देखो क्या है ध्यान से देखना बच्चों आप एग्जाम्पल 51 आपने एक्स आइटम्स एक्स टीवी सेट्स आपने एक्स टीवी सेट्स ना बेच दिए बच्चों नंबर ऑफ टीवी सेट्स एक्स ले लिए आइटम्स नहीं बोल रहा बच्चे ऐसा शुरू कर देते हैं इसे मैं टीवी सेट्स ले लिए एक आइटम का सेलिंग प्राइस ऑफ वन रुपीज 5 माइनस एक्स बाई 100 है वन आइटम का सेलिंग प्राइस एक बात बताओ तो एक्स आइटम का सेलिंग प्राइस एक्स टीवी सेट्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा एस पी ऑफ एक्स टीवी सेट्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो यूनिटरी मेथड एक्स इंटू 5 माइनस एक्स बाई 100 इसको सोल्व करना 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 ये एस पी आ गया ये सेलिंग प्राइस आ गया ओके अब बच्चों कॉस्ट प्राइस सीपी ये एक्स टीवी सेट्स का कॉस्ट प्राइस है रुपीज एक्स बाय 5 प्लस 500 ये एक आइटम का नहीं है ये एक्स टीवी का है एक्स टीवी का कॉस्ट प्राइस है क्वेश्चन समझ आ गए एक्स टीवी सेट्स का कॉस्ट प्राइस है ये वाला सीपी और ये है बच्चों एसपी बताओ एसपी माइनस सीपी क्या होता है अच्छा ये बताओ लॉस क्या होता है अगर सीपी ज्यादा हुआ तो लॉस होगा एसपी ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट मुझे मैक्सिमम करना है प्रॉफिट मुझे हर आदमी प्रॉफिट मैक्सिमम तो चाहते हैं राइट अब सारे जो प्रॉफिट मैक्सिमम चाहते हैं बोर्ड पर देखना बच्चों आप प्रॉफिट फंक्शन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस पी की वैल्यू कितनी है भाई 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस सीपी सीपी कितना है एक्स बाय 5 प्लस 5 बाय 100 सोल्व करना बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 इज 5x और माइनस एक्स इन दोनों इकट्ठा कर दो 5x माइनस एक्स बाय 5 25 माइनस 1 24 एक्स बाय 5 माइनस का 500 ये आ गया प्रॉफिट फंक्शन यहां तक कोई डाउट पहले आप समझ लो बाद में नोट करना प्रॉफिट फंक्शन को अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों राइट अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा ये मेरा प्रॉफिट फंक्शन है अब डीपी बाय डीएक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और 24x का डेरिवेटिव क्या होगा 24 यहां पर 0 माइनस एक्स बाय 50 कटिंग कर दी मैंने और 24 बाय 5 फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट लेट डीपी बाय डीएक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट लेट डीपी बाय डीएक्स इक्वल टू 0 अब इसको 0 से इक्वेट कर दो बच्चों तो इंप्लाइज माइनस एक्स बाय 50 प्लस 24 बाय 5 इज इक्वल टू 0 एक्स बाय 50 इज इक्वल टू 24 बाय 5 24 इंटू 50 बाय 5 कितना आ गया 240 240 डाउट एक्स क्या था बच्चों नंबर ऑफ टीवी सेट्स तो नंबर ऑफ टीवी सेट्स कितने आ गए बच्चों नंबर ऑफ टीवी सेट्स टू बी सोल्ड कितने बेचने चाहिए 240 लेकिन आपको सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव करना है बच्चों क्योंकि प्रॉफिट क्या चाहिए मैक्सिमम तो सेकंड डेरिवेटिव इसका करो बच्चों माइनस एक्स बाय 50 तो माइनस 1 बाय 50 प्लस 0 नेगेटिव आ गया सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव प्रॉफिट इज मैक्सिमम प्रॉफिट इज मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम आ गया और कब आया जब एक्स की वैल्यू कितनी है 240 क्वेश्चन पता क्या था कितने टीवी सेट्स आप बेचे
कितने सेल करें टीवी सेट्स जो प्रॉफिट ज्यादा आए, तो तुम आंसर क्या लिखोगे, मिनिमम नंबर ऑफ टीवी सेट्स टू बी सोल्ड 240, मिनिमम नंबर ऑफ टीवी सेट्स टू बी सोल्ड 240। अब आए नहीं बच्चों मिसलेनियस, आ जाओ बच्चों लिखो आप मिसलेनियस का हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। यस बच्चों प्रूव दैट, आवाज नहीं बच्चों, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हैज मैक्सिमम, बोलो नहीं बच्चों, हैज मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई। ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करवा चुका हूँ, वो एक्स अपॉन लॉग एक्स था लेकिन यार वर्किंग तो सेम ही है, हाँ वही तो वही। प्रूव फाइंड प्रूव दैट दिस फंक्शन इज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ई, तो क्या करेंगे क्वेश्चन टू, पहला स्टेप है बच्चों डेरिवेटिव, शुरू हो जाओ डेरिवेटिव बच्चों, मिसलेनियस चल रही है, क्वेश्चन टू लगा दो, डिनोमिनेटर एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स माइनस लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 नीचे एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स और नीचे बच्चों एक्स स्क्वायर, पहले आप समझ लो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0 लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 1 बताओ बच्चों कौन से लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1। अब लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ई तो लिखो टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग में क्या होता है बच्चों दोनों तरफ से लॉग हट जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू ई, एक्स इक्वल टू ई आ गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव बताओ, सेकेंड डेरिवेटिव मुझे किसका करना चाहिए, इसका ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव बच्चों, स्टेप्स क्लियर हुए, किसी बैठ बैठे किसी को बैठ, अरे यार बच्चों एक्स इक्वल टू ई। अब सेकेंड डेरिवेटिव बच्चों यहाँ लगाओ क्वेश्चन टूल, दोबारा से क्वेश्चन टूल, यस डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और नीचे x की पावर 4, यहां पर फिर मैंने क्वेश्चन टू लगा दिया। अब सॉल्व करो बच्चों इसको, माइनस एक्स माइनस का 2x प्लस का 2x लॉग एक्स, 2x लॉग एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2x और प्लस 2x लॉग एक्स और नीचे x 4, ये बन गया माइनस का 3x प्लस 2x लॉग x अपॉन में x 4, पुट x इक्वल टू e, देखते हैं नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, पुट x इक्वल टू e बच्चों, x के लिए e पुट कर दो, बोर्ड पर देखो आप सभी माइनस 3e प्लस 2e और log e और नीचे e की पावर 4, log e की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, तो माइनस 3e प्लस 2e नेगेटिव बच्चों माइनस आ गया ना, माइनस e बाई e 4 माइनस e बाई e 4 क्या होता है माइनस 1 बाई e क्यूब तो नेगेटिव, अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू बच्चों मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं कौन बताएगा, हमारे में से कौन बताएगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, कहाँ पर पुट करूंगा मैं फंक्शन में, फंक्शन ये वाला बच्चों, ओके लॉग ऑफ एक्स यानी कि लॉग ऑफ ई अपॉन में e, ओके log e की वैल्यू 1 तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 1 बाय e, क्लियर नोट कर लो आप, सेकंड क्वेश्चन ओवर। अब यस बच्चों मिसलेनियस का 9th क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, मिसलेनियस का 9th क्वेश्चन, टैंक बच्चों कैसे बनाते हैं बोर्ड पर देना बच्चों, आप इधर देखो बच्चों जिनको ये ड्राइंग नहीं आती इंग्लिश से मुझे थोड़ी सी अच्छी आती है, इधर देखो ऐसे बना लो बच्चों टैंक कैसे बनाते हैं वो दिखा रहा हूँ, क्लियर ऐसे बना लिया, अब इसके बाद इसको ऐसे मिला दो ऐसे मिला दो ऐसे मिला दो बन गया टैंक बच्चों, राइट तो ए बी सी डी ई एफ
जी और एच टैंक है बच्चों, ओके। अब बच्चों देखो अभी इधर अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, रेक्टेंगुलर बेस है बच्चों एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो द डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। डेप्थ कितनी है बच्चों इसकी और वॉल्यूम कितना है बच्चों इसका, तो जो जो गिवन है लिखते चलो। डेप्थ इसकी 2 मीटर है और वॉल्यूम इसका 8 मीटर क्यूब है। बोर्ड पर देखो आप यार, बना लो, छोड़ दो उसको, हाँ छोड़ दे जो तुमने बनाया है। डेप्थ बच्चों कितनी है 2 मीटर और वॉल्यूम कितना है बच्चों 8 मीटर क्यूब। बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, बेस पर खर्च कितना आता है बच्चों, बेस की जो कॉस्ट है बनाने की ₹70 पर मीटर स्क्वायर, ₹70 पर मीटर स्क्वायर। और साइड्स की जो कॉस्ट है, साइड्स को बनाने की, टैंक को, टैंक की दीवारों को बनाने की जो कॉस्ट है वो है बच्चों ₹45 पर मीटर स्क्वायर। आप क्वेश्चन पढ़ लो साथ साथ, और जो बच्चे आप एबसेंटीज हैं वो भी एनसीईआरटी सामने रखेंगे तभी समझ में आएगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, कॉस्ट ऑफ टैंक आपको मिनिमम करनी है, कॉस्ट ऑफ टैंक बच्चों मिनिमम करनी है। तो बताओ टैंक की कॉस्ट मिनिमम करनी है तो बताओ मुझे टैंक का एरिया मिनिमम करना है या वॉल्यूम, कौन बताएगा टैंक का एरिया या वॉल्यूम क्या मिनिमम करना है मुझे, अगर मुझे टैंक की कॉस्ट मिनिमम करनी है तो एरिया क्या करना है, एरिया एरिया बच्चों एरिया वॉल्यूम तो दिया हुआ है, वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब गिवन है हमें। लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, टैंक की लेंथ ब्रेथ वगैरह चेंज होगी ना, कॉस्ट आपको मिनिमाइज करनी है तो आपको इसका सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है। ओपन टैंक है बच्चों देखो आप, ओपन टैंक है तो बच्चों ऊपर से खुला हुआ है राइट। अब सबसे पहले आप इसका एरिया बताओ क्या होगा, कौन बताएगा इसका एरिया बताओ बच्चों टैंक का एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इस, इधर देखो बच्चों इसको मैं एक्स ले लूं, इसको मैं वाई ले लूं बच्चों, बताओ फर्स्ट का एरिया कितना होगा, ये फ्लोर, फ्लोर लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ एक्स इनटू वाई प्लस क्या छत है बच्चों यहाँ पर ओपन टैंक नो रूफ तो एक्स वाई। और इस दीवार का एरिया कौन बताएगा, इस वॉल का एरिया, इस वाली वॉल का एरिया 2 into y, 2y, जो लेफ्ट वाली वॉल है वो राइट वाली वॉल है तो 2y + 2y कितना हो जाएगा 4y। अच्छा बताओ सामने वाली वॉल का एरिया कौन बताएगा, सामने वाली वॉल ये x है और ये 2 है तो 2x, और तुम्हारे पीछे वाली दीवार का एरिया कितना होगा 2x, 2x + 2x कितना हो गया 4x। ये एरिया इसको बच्चों मुझे मिनिमाइज करने है, इसमें कितने वेरिएबल्स है बच्चों दो, और किसी को मैक्सिमम या मिनिमम करना हो तो डायलॉग है बच्चों उसमें दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए राइट। इसमें से बताओ एक इक्वेशन मुझे और चाहिए, कहां से आएगी, वॉल्यूम से आएगी, बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट एक्स इनटू वाई इनटू 2 इज इक्वल टू 8 एक्स वाई इज इक्वल टू 4। यहां से आप वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आप बच्चों एरिया बताओ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 प्लस बताओ एक्स में चाहते हो वाई में चाहते हो जल्दी बताओ, एक्स में तो वाई की वैल्यू यहां से निकालो, यहां से वाई की वैल्यू क्या होगी 4x, पहले आप समझ लो वाई की वैल्यू 4x पुट कर दो ठीक है। अब बच्चों एरिया आ गया आपके पास 4 + 16x 4 × 16 और प्लस 4x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, 4 का डेरिवेटिव 0, 1 बाय x का डेरिवेटिव कौन बताएगा जल्दी बोलो, -1 / x² तो -16 / x² प्लस 4, ये बच्चों dA/dx आ गया राइट। अब हम फॉर मैक्सिमम मिनिमम हम इसको 0 से सेट करेंगे राइट। अब -16 / x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 16 / x² इज इक्वल टू 4, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। बताओ मैं प्लस माइनस 2 क्यों नहीं लगाता, x
सोचो लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैं प्लस माइनस टू नहीं रहा। ओके एक्स के लिए टू आ गई, मुझे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए। बताओ बच्चों सेकंड डेरिवेटिव कैसे करूंगा मैं, डी टू ए बाई डी एक्स टू, बताओ इसका डेरिवेटिव। एक्स को ऊपर ले जाओगे, एक्स की पावर माइनस टू, पावर रूल लगाओगे, माइनस टू आगे आएगा तो 32 हो जाएगा राइट, और नीचे क्या बनेगा एक्स क्यूब, और फोर का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट भी कर दोगे, पुट x वैल्यू 2, तो 32 बाई 8 4 हो गया, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है पॉजिटिव। देयरफॉर एरिया एरिया ऑफ टैंक मिनिमम, देयरफॉर एरिया, अरे 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 शिट ये सारा क्वेश्चन गलत है। और मैं वीडियो से, अरे बच्चों गलती क्या होगी, इधर सुनो हमने इनके यूज कहा कि 70-45 का करते जा रहे हो, पागल की तरह करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। यस सर यस सर यस सर, अरे 70-45 का बीच में तो करोगे छोड़ो यार। यस बच्चो इधर देखो, वो सारा मैंने रब कर दिए राइट, इधर देखो बच्चो अब ध्यान से सुनना बच्चो, इधर सुनो बेस का एरिया कितना है बच्चों, एक्स वाई बेस का एरिया कितना है एक्स वाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, बेस का एरिया कितना है एक्स वाई, और एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है बच्चों बेस की 70, एक मीटर स्क्वायर के ऊपर अगर 70 रुपए खर्च आता है तो एक्स वाई के ऊपर कितना आएगा 70 एक्स वाई। तो आपने क्या करना था, बस इतना करना था 70 इनटू एक्स वाई करना, बात समझ आ गई। अब बच्चों इस दीवार का एरिया कितने है बच्चों 2y, और इधर वाली दीवार का एरिया 2y कितना हो गया 4y, इस सामने वाली दीवार का एरिया 2x, 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x। ये बच्चों दीवारों का एरिया साइड्स का एरिया, ओके एक मीटर स्क्वायर के ऊपर साइड्स का एरिया कॉस्ट कितनी है 45, तो ये मीटर स्क्वायर ही तो है, ये साइड्स का एरिया ना, तो इसको आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ इनटू 45 आएगा, और छत है नहीं, ये काम करता है कॉस्ट को मिनिमम करना है ना, हमें कॉस्ट को मिनिमम करना है ना बच्चों, तो एरिया मिनिमम होगा ना, तो एरिया के साथ मुझे ये रुपीज मल्टीप्लाई भी तो करनी है, कुछ समझ आई मेरी बात। अब बच्चों इसके बस अब तो स्टेप्स वही है, डेरिवेटिव वही है बच्चों। अब बच्चों नहीं वो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन देखो आप, अब बच्चों यहाँ पर 70 इंटू एक्स वाई की वैल्यू पहले समझ लो, 4 पुट कर दो और 4 कॉमन ले लो, 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा 180, और वाई की वैल्यू पुट कर दो 4 बाई एक्स प्लस एक्स, 45 इंटू 4 बच्चों 180, 4 कॉमन ले लिया गया। अब सी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 280 बच्चों 280, 720 बाई एक्स और प्लस 180 बाई एक्स, ये कॉस्ट आ गया, कॉस्ट आ गई बच्चों 280 बच्चों आवाज नहीं 720 बाई एक्स और प्लस में 180x, ये कॉस्ट आई है बच्चों, ये वाली कॉस्ट आएगी, कोई दिक्कत नहीं, 70 × 4 180 × 4 राइट, टेबल आती मुझे 180 × x राइट। अब बच्चों देखो आप, अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ जीरो जाएगा, माइनस 720 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कर दिया मैंने प्लस 180। अब आप dc बाई dx को जीरो से इक्वेट करोगे, समझ लो पहले यहाँ तक आएगा आंसर बाई चांस वही आ गया, x की वैल्यू 2 नहीं, x की वैल्यू 2 यार ये ना नहीं, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2, लेकिन वर्किंग गलत थी ना, x के लिए 2 आंसर भैया वर्किंग गलत थी। ओके बच्चों क्लियर हो गया, अब सेकंड डेरिवेटिव बच्चों करना है मुझे d2c/dx2। अब बच्चों इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 पर जाएगा 1440 बाई एक्स क्यूब और 180 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 1440 बाई 8, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है मेरा पॉजिटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो कॉस्ट क्या होती है मिनिमम, कॉस्ट इज मिनिमम, कॉस्ट ऑफ द टैंक इज मिनिमम एट x = 2। पर उन्होंने आपसे पूछा है फाइंड द लीस्ट कॉस्ट,
फाइंड द लीस्ट कॉस्ट, मुझे मिनिमम कॉस्ट बतानी है बच्चों। x की वैल्यू 2 जो है मैं कहां पर पुट करूंगा, जिसको इसमें पुट कर दो जल्दी आंसर आएगा। जिस मैंने एक बार डायलॉग बोला था, जिसको डिफरेंशिएट करते हैं ना वहां पुट किया करो, जिसको डिफरेंशिएट करते हैं ना वहां पुट करने से आंसर जल्दी आता है। तो तुम्हें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, तो लीस्ट कॉस्ट ऑफ द टैंक, लीस्ट कॉस्ट ऑफ द टैंक बच्चों यहां पर पुट कर दो आप, 280 प्लस 720 बाय 2 प्लस 180 इंटू 2 कितना हो गया ये 360 प्लस 360 सोल्व करना बच्चों, प्लस करना जल्दी से करना बच्चों, 1000 मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है बच्चों, गलत नहीं बोल रही है, 1000 रुपीज बच्चों, चेक करो पीछे से आंसर, लीस्ट कॉस्ट आ रही है बच्चों 1000 रुपीज, चेक करना एमी है, चेक करो बच्चों, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट।